साहब की जो चीजें हैं उसकी टिप्स टेक्निक जो कुछ चीजें मैंने आप लोगों को रिलीज की या मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ में करके दिखा रहा हूँ कि वो तमाम चीजें जो आप लोगों के लिए आपके सलोन पे बहुत ज्यादा आप ये समझ सकें कि एक है कि एक आपके क्लाइंट के लिए सेटिस्फेक्शन है कि आपने इसको किस तरीके से आपने यूज करना है। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से मैंने अपनी तमाम चीजें बनवाई हैं, जिस तरह से मेरी टीम वैन्यू पर जाती है, इतना लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और मतलब एक ब्राइड अगर हमारे सलोन से जाती है, अपनी ब्राइड की बात करूँगा तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10 से जाती है उनके रिलेटिव खानदान से। वो क्यों है? क्योंकि लोग मेकअप भी देखते हैं कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है, डिटेल क्या है। और आई एम श्योर कि आप लोग भी ऐसे मेकअप करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर इतने स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग ऐसे टीचर ऐसा एजुकेटर नहीं बनवाई है। रात में उसने मुझे बताया कि मैंने तो सबके साथ पिक्चर्स बनवाई है, सबके साथ बनवाई है मैंने आपके स्टूडेंट तक के लिए। तो चले गए होंगे सबसे आखिर में, तो मैं गया हूँ यहाँ से। हाँ आगे सर सबसे आखिर में तो मैं गया हूँ यहाँ से। नॉन स्टॉप जिस तरह से चल रहा था वो बेसिक आप लोगों के लिए समझने के लिए चीज है कि आप लोग अपने सलोन पे मैक्सिमम क्लाइंट्स किस तरह से आप अपने कर सकते हैं, डन कर सकते हैं और क्वालिटी वर्क दे सकते हैं आप। कि एक ब्राइड को आपने लेकर नहीं बैठना कि उसके पे आपने बहुत लंबा टाइम आपने लगाना है। आप हैं या आपकी एक तो टीम है तो वो थोड़ी सी आपको हेल्प भी कर रही है, आपने बेसिक चीज कर लिया, आपने देख लिया, तो इस तरह से आप बड़े अच्छे तरीके से मैक्सिमम क्राउड निपटा सकते हो आप ना। क्योंकि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 90 के करीब मैंने मेकअप किए हैं, एक दिन में इतनी ब्राइड्स की हैं। तो ये अब आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ब्राइड को लेकर आप 3 घंटे तक नॉन स्टॉप लगे हुए, आपके हाथों पे लाजमी जो है फास्ट होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए। और वो कोई भी ये तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा जल्दी कर मतलब लेकिन वो बहुत स्पीड होती है काम करने में, लेकिन क्वालिटी वर्क होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने भी बिल्कुल अपने काम पे इस तरह से तवज्जो देनी है, तवज्जो देनी है और बिल्कुल सही है कि थोड़ा फास्ट। तो अगेन जो है सबसे पहले हाइड्रा स्प्रे लगा रहा हूँ मैं। अच्छा अब वही अच्छा हाइड्रा स्प्रे काशिश की अपनी ब्रांड का ये स्प्रे है। मैंने बताया था कल भी आप लोगों को स्किन को हाइड्रेट करने के लिए जो हाइड्रा स्प्रे इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने सबसे पहले स्किन हाइड्रेटेड किसी की है भी तब भी आप लोगों ने हाइड्रा स्प्रे जरूर यूज करना है, बिकॉज आपको काशिफ ने ये बोला है और ये इन्हीं की ब्रांड का, इनकी प्रोडक्ट का, काशिफ कॉस्मेटिक का है। अच्छा ये स्प्रे के बाद काशिफ आप वाइप अप कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए या हाँ, ठीक है जो एक्सेस होगा वो हम कर देंगे। वेयर की भी उन्होंने टीका और ये बिल्कुल रॉयल ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड ब्यूटीफुल ड्रेस, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा लगता है। देखिए काशिफ चाहे तो कोई भी सस्ते अजीब से कपड़े पहना के भी मेकअप कर सकते हैं, लेकिन बकायदा पूरी एक तैयारी के साथ आते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, ताकि आप लोगों को लुक अच्छा लगे और आप लोग आइडिया बना सकें कि किस तरह से हमें करना है। तो दिस इज ऑल मैं बता दूँ कि ये काशिफ की जो है अपनी डेडिकेशन आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए प्यार है। अगर आप लोग करते हैं तो काशिफ भी आप लोगों को अपने काम के जरिए प्यार जरूर प्यार का इजहार करते हैं। अच्छा ये है उन्होंने आंखों पे जो है ये आई शेडो प्राइमर, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो पिगमेंट इसके बाद जो शेड लगेगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज 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 आप लोग आई शेडो प्राइमर जरूर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू गाइस, आप लोग कोई भी चीज मिस मत करें, फिर आप लोग कहते हैं कि ये चीज एग्जैक्टली हमारी ब्राइड के वैसे नहीं आती। क्यों? क्योंकि कुछ चीज आप लोग स्किप कर देते हैं। सो यू गाइस डोंट हैव टू स्किप एनीथिंग, बट जस्ट नोट करें, नोट डाउन करें एंड ट्राई टू बाय दिस 01 आई शेडो प्राइमर है। इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इसमें बहुत सारी रेंज है 01 से लेकर 05 तक। फॉर टैन स्किन ऑल्सो, फॉर जैसे सांवला रंग होता है उन लोगों के लिए भी है, और जो फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़कियां होती हैं उनके लिए 01 भी है। और अगर आप चाहें तो किसी टैन लड़की सांवले रंग की लड़की पे भी 01 लगा सकते हैं, डजंट मैटर। ये सब हमने आई शेडो के लिए किया है। अच्छा इसके बाद कॉम्पैक्ट हम 07 लगा रहे हैं, कॉम्पैक्ट 07 लगा रहे हैं, कोई से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, बस डार्क ना हो ज्यादा। आप लोगों के पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है, अगर आप लोग अपना कुछ यूज कर रहे हैं तो कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें इसको फिक्स करने के लिए, आई शैडो प्राइमर को फिक्स कर देता है। आई प्राइमर लगाने के बाद फौरन अपने कॉम्पैक्ट लगाना है। अच्छा आई शैडो कह रहे हैं कि आई शैडो प्राइमर के फौरन बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हैं,
प्लीज जिसे नोट डाउन कर, बहुत गंदी बुरी लग रही होती है, बट दिस इज वेरी गुड। आप लोग टू शेड्स हैं और ये लाइटर शेड है और इसके अलावा एक डार्कर शेड है, तो आप डार्कर शेड बहुत परफेक्ट है। तो आप डार्कर शेड भी यूज करते हैं किन लोगों के लिए? डिपेंड करता है कि जिस की आईब्रोज बहुत ज्यादा लाइट है और जो नेचुरली बाल जो है वो ब्लैक है। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि आई शेडो का जो केक लाइनर केक ब्राउन शेडो है और किस तरह से काशिक जो है वो आईब्रो बना रहे हैं लिफ्ट करके, और बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं किया, बस जितनी जरूरत है उतना ही बना रहे हैं, आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है। और हल्का सा आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जस्ट टू गिव आर्च के पास लाजमी आपको लिफ्ट करना है। अच्छा, काशिक कह रहे हैं कि आर्च से आपको लाजमी लिफ्ट करना चाहिए। फेस पे आईब्रो अच्छी बनी हो, देखिए मेरी आईब्रो कितनी अच्छी बनी हुई है, कितना अच्छा मेकअप किया मेरा। आरफा ने क्या था, अच्छा आरफा ने कल भी किया था, अच्छा क्या है ना, तो आईब्रो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग फोकस करें कि आईब्रो अच्छा बनना भी जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आईब्रो अच्छी नहीं बना, चलो छोड़ो कुछ हम लिपस्टिक अच्छी लगा लेंगे, हर चीज को बड़ा फोकस्ड होके करें। अच्छा, ये इन्होंने आईब्रो बनाई है, उसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं किया मेरे ख्याल से, जो पिगमेंट ये यूज कर रहा है शेडो का वो इसको इतना डार्क मेरे ख्याल से करता नहीं है। अच्छा काशिफ जो है पहले आई मेकअप करते हैं, तो आप लोग भी अगर चाहें तो अपना लाइफ अब चेंज कर सकते हैं, आप लोग भी अपना आई मेकअप से स्टार्ट ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, ये भी बहुत मजे का हाइलाइटर है काशिफ, दिस इज ऑल्सो रियली 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 नाइस। इस आई शेडो का नाम है मून एंड आई लव इट, ब्यूटीफुल कलर, बहुत अच्छा इसका। वेट करके लगाना है इसको, अच्छा इसको गीला ब्रश को गीला करें और उसके बाद आप लोगों ने ये लगाना है, तो उसका बड़ा अच्छा डल और बड़ा मेलो सा गोल्डन नजर आया, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना तो आप हाइलाइटर लगाते रहो तो हाइलाइटर नजर ही नहीं आ रहा होता और थोड़ी देर के बाद वो हाइलाइटर झड़ जाता है। तो इट्स अच्छी अच्छी क्वालिटी का मेकअप लेंगे, अच्छी चीजें लेंगे। मैं बता रही हूँ कैसे काशिश ब्रांड का मेकअप, काफी सारे हमें लोग बताते हैं कि हम आपका मेकअप यूज करते हैं तो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बाय गुड गुड क्वालिटी मेकअप। अब देखिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से हाईलाइट लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है और आई जो है हाईलाइटर से लिफ्ट लिफ्ट करती है आपको, आंखों का बड़ा करती है, हाईलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इनको काशिफ किस तरह से ब्लेंड करते हैं, ये चीजें आप लोग नोटिस करें, बातें ना करें, बस आप लोग स्क्रीन पे देखते रहें क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें भी जो काशिफ के आप लोग को जो है। कितना खूबसूरत इसका केस है ग्रीन कलर का, ग्लिमर गार्डन का, और इसको तो आप लोग बाद में ना क्लचेस बना के शादी में जाया करें पकड़ के हाथ में। लेकिन पैकेजिंग जो है पैकेज, ये जिस तरह की पैकेजिंग है और जो कंपनी देती है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए पैकिंग का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। हम कोई चीज ऑनलाइन मंगाते हैं अगर पैकिंग गंदी होती तो मैं तो खोलने पसंद लोकल सामान है। अच्छा जी, अब हम आई शेडो यूज कर रहे हैं इनके बड़े खूबसूरत से पैलेट से। अच्छा, कल डायरेक्ट जो है आपने देखा था कि कल की क्लास में मैं ज्यादातर आई बॉल पर शिमर शेड्स लगा रहा था, ठीक है, एक ये बड़ी अच्छी टेक्निक है और क्योंकि ये जो कलर्स है बड़े अच्छे तरीके से ये आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इजिली आपका मेकअप हो जाता है, क्विक हो जाता है। इसके अलावा जो है आप आज मैं आपको मैट कलर से स्टार्ट करके दिखाऊंगा मेकअप, मैट कलर से जितना भी क्रीज एरिया है सबसे पहले मैं ये मैट कलर्स लगाऊंगा। अच्छा काशिफ आज है वो मैट कलर से स्टार्ट ले रहे हैं और बड़ा अच्छा सा एक रस्ट कलर इन्होंने लिया है, मस्टर्ड यू कैन से और रस्ट कलर यू कैन से, और बड़ा अच्छे से उसको डेप्थ दे रहे हैं डी शेप पे, आंख की जो डी शेप होती है ना वहां पे लगा रहे हैं, पूरे आंखों पे नहीं लगा रहे, सिर्फ डी शेप पे लगा रहे हैं। ये चीज आप लोग नोट डाउन करें और इस चीज को मद्देनजर रखें कि मैट शेड है और डी जो शेप होती है आइस की बस वहां तक फिल कर रहे हैं और जो अंदर का जो हिस्सा है वो उन्होंने छोड़ दिया, तो लेट्स सी वहां पे कौन सा कलर लगाते हैं। तो काशिफ आपने ब्लैक ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है तो ब्लैक के साथ आपने रस्ट लगाया है, तो ये आप मतलब कि कॉम्बो बनाया आपने, इसमें ऑलरेडी शेड्स भी हैं काफी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं एक्स कलर मेकअप करूं, लेकिन इसमें डल गोल्ड या स्मोकी मेकअप वही बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कल उस तरह के दोनों मेकअप मैंने स्टूडेंट्स को सिखा दिए हैं। अच्छा, तो ये आप थोड़ा डिफरेंट करके बता रहे हैं, कल से डिफरेंट है, डिफरेंट टेक्निक के साथ।
कल से भाई डिफरेंट टेक्निक के साथ दिखा रहे हैं, तो प्लीज ये ना गौर से आप लोग समझें और सुने और बातें ना करें। जरा देखिए कि काशिफ क्या बात बोल रहे हैं, ऐसी कोई चीज बोल जाए आप जो मिस कर जाए, इट्स बेटर कि आप लोग फोकस्ड रहें। चेस कलर को लगाने के बाद उसको पूरा ब्लेंड किया है मैंने, और उसके बाद ये डार्क ब्राउन सा शेड है, अगेन मैट कलर, ये आउटर वी एरिया पे इसको लगाना है आपको। ये डार्क ब्राउन कलर है, इसको उन्होंने आउटर जो है सबसे पहले आपने पिक करके इस तरह से फौरन से आउटर बी एरिया पे आपने कलर को डिपॉजिट करना है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने अपवर्ड जाना है, और मेक श्योर कि तमाम आपके ब्रश में जितना भी कलर है वो लग चुका है, अब जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद कोई भी दूसरे ब्रश से फ्लफी ब्रश हो उसके साथ उसको ब्लेंड कर दें। ब्रशेस बहुत अच्छे हैं काफी के, प्लीज आप ब्रशेस पे जरूर फोकस करें, ब्रशेस का अच्छा होना भी बड़ा जरूरी है ब्लेंडिंग। और देखिए सारा काम ब्रशेस दिखा देना, मैं बता देता हूं, मुझे ब्रशेस बल्कि दिखाएं, और बहुत सारी वैरायटी और रेंज है ब्रशेस की, आप लोगों को हमें बताना चाहिए, बिकॉज आप लोगों को तो नहीं पता ना, ये तो मैं कल दिखा चुकी थी, वैसे दिखा दें एक दफा और। ये देखें ये ब्रशेस की पूरी किट है, और कितनी खूबसूरत इसका जो जो इसका वॉलेट है वो बड़ा खूबसूरत है, ये देखें इस तरह से। बाकी ये एक ब्रश सेट ये है, बहुत ही अभी रीजनेबल उस पर चल रहा है, और ये आई गेस ये कम रह गया, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला ही है ना, ये बहुत बेहतरीन पैलेट ब्रश सेट है। ये ग्रैंड है कोई, ये उससे ज्यादा एक्सक्लूसिव है, अच्छा ये एक्सक्लूसिव है, प्रोफेशनल ज्यादा है ये, जरा ये जितने भी मैंने आई मेकअप वगैरह किए हैं कल और आज, वो इन सेट्स में जितने भी ब्रशेस हैं वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी दिखा देना मुझे केस में, ये भी बड़ा प्यारा इसका केस बना हुआ रखने का, जो होल्डर भी है, कितनी अच्छी आपने डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्रशेस की वो बनाए केस। अब देखिए मैं कितना प्यारा ये एक किट है कि आप अपने टेबल पे रख सकते हैं आराम से, इसमें ब्रशेस इस्तेमाल करें, अगर आपको वो बुकलेट टाइप केसेस समझ में नहीं आए तो यू कैन बाय दिस आल्सो, दिस इज आल्सो रियली नाइस, एंड आपके मेज पे अच्छी चीजें पड़ी हुई होंगी, अच्छी चीजें होंगी काशिस की ब्रांड की होंगी, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे। तो अच्छी चीजें अपने टेबल पे रखें, इससे जो है आप लोगों को जो है वो फायदा होगा। अच्छा साथ साथ काशिप ने बताया है कि ब्राउन शेड मैट लगा रहे हैं आउटर पर, और कह रहे हैं वहां डिपॉजिट करें, और फिर उसको ही आगे आगे आपने फैलाना है, और ये बहुत डिफरेंट बता रहे हैं कल से। प्लीज आप लोग ये देखें, बहुत अच्छा बड़ा हैवी जोड़ा पहना हुआ है लड़की ने, और उसके ऊपर कैसा मेकअप होना चाहिए वो आपको ये आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह से होना चाहिए। बहुत हैवी ग्रैंड ज्वेलरी है, बड़ी ग्रैंड ड्रेस है, बड़ा खूबसूरत ब्लैक और बड़ी मल्टी कलर्स हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा हमने शेड लगाना है। तो लुक व्हाट काशिज हैव चूजन, कि उन्होंने कुछ डार्क रस्ट और डार्क ब्राउन के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं कलर्स की, तो ये आप लोग देखें, इट्स इजी, ब्रश से मिक्सिंग करना है, और ब्रशेस का अच्छा होना मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा आपका मिक्स हो जाएगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। क्रीज एरिया को डार्क करूं मैं, अच्छा तो स्मोकी मेरे ख्याल से कर रहे हैं आप, काइंड ऑफ अ स्मोकी आउटर वी एरिया पे करूंगा सो स्मोकी। काफी डार्क किया है काशिप ने, ये भी नोट डाउन करें, इन्होंने जो डी शेप थी आईज की लड़की की, मॉडल की हमारी, उनको उन्होंने काफी डार्क कलर दिया है, नीचे रस्ट लगा के फिर उसके ऊपर डार्क ब्राउन। अब टू कलर्स, तीन तीन कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी की लाइन नहीं बनी हुई, अच्छे ब्लेंडेड है। अब ब्लैक कलर लेके क्या कर रहे हैं आप, ब्लैक कलर आउटर बी एरिया लगाना है। अच्छा बड़ा ही थोड़ा सा है, तो ये आप लोगों को आता है काम, तो आप लोगों को आई होप समझ आ रहा है, मुझे तो ये हो रहा है कि कितने सारे कलर्स को एक साथ जो है वो कंक्लूड करना और उनको आपस में मिक्सिंग करना, इट्स अ आर्ट एंड इट्स अ यू नो गॉड गिफ्टेड। अब देखें जबरदस्त ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन, डार्क जेट ब्लैक कलर, और उसको आपस में सॉकेट्स जो कॉर्नर्स हैं उसको मिक्सिंग कर रहे हैं, और कलर से जो है वो खेलना आना चाहिए आप लोगों को, जिस तरह से काशिप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं आई शेड, और देखते हैं कि ओवरऑल इनका लुक कैसा होता है, कौन सा ये ग्लिटर लगाएंगे और कौन सी लैशेस लगनी है, क्या लिप कलर देंगे इस हेवी ग्लैमरस आईज पे। ब्यूटीफुल काशिप, होते ना जिन लड़कियों को शौक होता है, मुझे पर्सनली बहुत शौक है स्मोकी आईज का, मैं मुझे अच्छा लगता है कि मेरी हेवी आईज हो और हेवी लुक आए, तो ये जैसे उन लोगों के लिए, अक्सर ब्राइड्स कहती कि हमें जरा हैवी शेड्स वगैरह नजर आए, हमारी बड़ा बड़ा बिग बिग डे है, तो हमें जरा हमारी सब चीजें प्रोमिनेंट हो रही हो, बड़ी हैवी रिच हो,
तो ये समझ लें कि आपको वही लुक हम आपको ब्राइड का बता रहे हैं कि हैवी जोड़ा अगर किसी भी ब्राइड ने पहना है, बेशक इसमें अगर मरून हो या कोई भी कलर का ड्रेस हम उस पर कलर करते शेड लगा सकते हैं काश, राइट? एग्जैक्टली इसको अगेन इसको ब्लेंड कर रहा हूं मैं, कोई भी हार्श लाइन है वो डिफ्यूज हो जाए, लाइनें नजर नहीं आनी चाहिए, बार बार यही आपको बता रही हूं कि लाइंस नजर ना आए, इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करें डिफ्यूज करें। काशिफ आपका मतलब कि फेवरेट आई मेकअप कौन सा है, आप स्मोकी ज्यादा पसंद करते हैं या सॉफ्ट मेकअप ज्यादा आपको अच्छा लगता है करना? मेकअप जो है प्रोफाइल के लिए तो ज्यादा सॉफ्ट मेकअप होता है, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल ही लेबनीज अरबिक टाइप के जो मेकअप होते हैं वो मुझे शुरू से पसंद है, क्योंकि कोई भी नहीं मैं बताती हूँ आपको कुछ एनशाइंटिंग एनशाइंटिंग लगाया है। मैं अभी क्वेश्चन पूछती हूँ, आप परेशान ना, बता देता हूँ बता रहे हैं आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया वो आपको बता दिया। अच्छा तो मेरा मतलब है कि आप लोगों को मेकअप अच्छा लगा तो ये इन्हीं के मेकअप से ग्लिटर गार्डन से बने शेड दिखाऊं? अच्छा मैं आपको शेड ला के दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं स्क्रीन अभी आ रही है, अभी वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो उसी चीज को ब्लेंड कर रहे हैं, आगे नहीं वो बढ़े, ऐसा ही है ना काशिफ? नहीं ऑन नहीं, नहीं ऑन नहीं ना, ये लिबर्टी शेड लगाया मैंने बताया, और दोबारा ये कलर देखना ये आपने पिक करना है। जिन्होंने पूछा कि मेरा कौन सा शेड है, ये लावा जो है वो शेड है जो इन्होंने आई शेडो प्राइमर लगाया था मेरी आंखों पे और उसके बाद ये लावा शेड लगाया इन्होंने, ठीक हो गया लावा शेड। और जो लिप कलर है मेरा वो एनशाइंटिंग इसका नाम है और ये लिप कलर है, कैमरे में ये मैंने आपको दिखा देती हूँ कैमरे में, ये एनशाइंटिंग इसका लिप कलर का नाम है जी, ये मैट है बिल्कुल, मैंने इसके ऊपर ग्लॉस लगाया था ट्रांसपेरेंट और ये जो था लावा शेड, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा लावा शेड। तो ये अगर आपको ले आप ले सकते हैं ज्वेलरी हो चौड़ा और उसी के अंदर ही ये सारा जो भी आप जो खरीदेंगे परचेजिंग करेंगे जैसे लाख रुपए हो जाता है आप अपनी वीडियो बनवा लें, ये सवाल था आपको राइट? जी वो लो हो गया वो कुछ तो वो बन जाएगा डेफिनेटली बन जाएगा। मैं बता दूं क्या पूछ रही हैं आप? जी जी नहीं ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसका रीजन ये है मैं आपको बता दूं, आप अच्छे तरीके से समझें कि ये कराची के लिए भी मैंने ये चीज खत्म कर दी है, ठीक है ये आप लोगों के लिए है, बिल्कुल अपने चार्जेस बता रहा हूँ 70,000 आप ये देखिए सिर्फ इसके होते हैं, इसके अलावा जो मेरे ड्रेसेस वगैरह हैं और ज्वेलरी वो 35,000-40,000 इसकी भी ये एक रेंटल जो है ये प्राइस होती है, ये ऑलमोस्ट 110,000-105,000 रुपए ये सिर्फ इसके हैं, इस सर्विस के हैं जो स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके साथ साथ हम मेकअप भी करेंगे, साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम सुनेंगे उनके आंसर्स भी देंगे, आई होप अब आप लोगों को सबको क्लियर हो गया है कि वन लाइक की परचेजिंग कैसे करनी है और किस तरह से आप लोगों को जो चीज आप लोग जो अपॉर्चुनिटी है अवेल कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात हुई है आप लोगों को समझ में आ गई तो तालियां हो जाए बड़ी जबरदस्त इस बात पे, और जोर से भाई पीछे वाले क्यों इतने आए हुए, और वो भी साथ साथ आपको बता दें एक्सप्लेन कर दें, और अगेन वही आई शुड बेस, अच्छा वही आई शैडो बेस ब्यूटीफुल बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके अंदर, देखिए एक रेंज है पूरे कलर्स की, तो आप लोग जो भी आपके फेवरेट कलर्स हैं 5-6-10 जो जितने भी आप लोगों की जेब इजाजत देती है आप लोग खरीदें,
और जो बेसिक कलर्स हैं वो आप लोग जरूर इसको परचेज करें, और आई शेडो बेस लगाने के बाद ही ग्लिटर लगाएंगे तो आपको फायदा है, अदरवाइज नहीं। तो आई शेडो बेस के बाद ही आप डिस्को जो ग्लिटर लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी रेंज है, येलो, डार्क येलो, ब्लू, पीच कलर, पिंक कलर, मूव कलर, स्काई ब्लू कलर। तो ये इससे जो है ना आप लोगों की जो ब्राइड्स हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत लगने हैं, और आप लोग भी पार्टी वेयर कर सकते हैं, अब पार्टी वेयर के लिए रेडी हो सकते हैं। अच्छा, और साथ साथ हम आप लोगों की ये मूवी जो है, हमारे जितने भी फोटोग्राफर्स खड़े हुए हैं, ये सब आप लोगों के लिए ही मूवी बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, ताकि व्हाट्सएप पे आप लोगों को ये दी जाए। तो आप लोगों ने जो परेशान हो रहे हैं पीछे के अगर इतना नहीं नजर आ रहा, क्योंकि सामने सारे फोटोग्राफर्स हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए है कि हम सोशल पेजेस पे भी डालेंगे और साथ में आप लोगों को भी व्हाट्सएप करेंगे, बिकॉज मैं यहाँ से देख रही हूँ बिल्कुल जूम करके जो है वो ये आपकी जो है ना मॉडल की और काशिप की हैंड की वीडियो बनाई जा रही है। इट्स वेरी, आप लोगों को मजा आएगा जब हम व्हाट्सएप करेंगे ना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप लोग जो है पॉज कर करके देख सकते हैं कौन कौन से कलर्स हैं। सीरियसली ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, बिकॉज मैं जहाँ से देख रही हूँ। तो अब ये देखे हैं बड़ा खूबसूरत सॉकेट लाइन्स ब्लैक के साथ है, बड़ा प्यारा उन्होंने ग्लिटर जो ऊपर लगाया है, कौन सा गोल्डन ग्लिटर है, गोल्डन शिमर है, गोल्डन शिमर लगाया, प्योर गोल्डन जो कलर होता है वो शिमर लगाया। पेरिस नाम है इसका। और ये जो अब लगाने लगे मुझे इसका नाम बताओ, ये बहुत प्यारा है, ये मैं जरूर बताऊंगी अपने सारे जो हमारी जो प्यारी प्यारी यहाँ पे। हाँ, ग्लिडिट, ये ग्लिडिट जरूर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा इसका जो लुक आ रहा है बहुत प्यारा है, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग है। तो ये ग्लिडिट साथ जो है ये शिमर जरूर लें। देखिए ये अब उन्होंने ऊपर लगाया है और देखते हैं इसका क्या लुक आता है। ये जो मैं बता रही थी ना, जो आप लोग लेना चाहिए ग्लिटिट, ये देखते हैं लगते हैं साथ ही कैसे लाइटें मारी आंखों ने। हाँ, ऐसा लग रहा है लाइट ऑन हो गई है। तो ग्लिटिट ये जरूर आप लोग लें, और आई शेडो बेस के ऊपर ही आप लोगों ने लगाना है। कितना अच्छा लग रहा है, सिर्फ इस पे लैशेस लग जाए तो भी बहुत है, मेकअप डन है कहते हैं। तो ये है बड़ा प्यारा शेड काशिप, ये क्या से तुमने बनवाया ग्लिटर और क्या कॉम्बिनेशन किया तुमने? ये मैक्सिमम है, आप लोग जो है वो मार्कर लाइनर नहीं लगा सकते इसके ऊपर, ये जो जरूर लें। अच्छा, अगेन फोकस करें, लाइनर लगा रहा हूं मैं। अच्छा, आप चाहें तो आउटर कॉर्नर को डार्क करके वैसे भी छोड़ सकते हैं और काजल लगा सकते हैं, और बिल्कुल नीचे से बिल्कुल स्मोक आउट आप अंडर आइज कर लें तो वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन कुछ ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स को मोस्टली होता ही ये कि उनको लाइनर का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये है सबसे पहले गाइडलाइन आपने लेनी है। अच्छा, लाइनर के बारे में बताओ,
देखिए काश क्या बता रहे हैं आइज की जो अपनी जो एक्चुअल लेंथ है सर थोड़ा सा पहले इसको बाहर निकाला है या पॉइंट देख लें और उसके बाद यहीं से आपने इसको अपलिफ्ट करना है ये आप सुने गौर से कि काशिफ क्या बता रहे हैं कि लाइनर की गाइडलाइन कहाँ से लेनी है और किस तरह से बनाना है फिर आप लोग को मिस ना करें उनकी कोई भी ये बात वैसे जो है पिक्चर्स वीडियोस आप लोगों को व्हाट्सएप होंगी डेफिनेटली अच्छा तो काशिफ आप लगा रहे हैं लाइनर और सिग्नेचर लाइनर है काशिफ का और देखें किस तरह से वो उसको डेप्थ दे रहे हैं काशिफ का ये लाइनर बहुत फेमस है इट्स बड़ा अच्छा सा जेट लुक है जेट ब्लैक लुक है और बहुत अच्छा बड़ा मेलो छोटा सा बिल्कुल सिंपल और इजी टेक्निक है इसकी सिंपल और इजी टेक्निक है और आप लोग वार्म अप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को वार्म अप होना बड़ा जरूरी है अच्छा जी अच्छा काशिफ अब क्या करें स्क्रीन आ गई सबकी सब अच्छा वो दिखाना परफेक्ट अल्ट्रा ब्रैप करना है तो ये काफी अच्छी है कि बहुत ज्यादा की टू मच ड्राई स्किन है अच्छा ये तो कल आपने यूज नहीं किया ना हमें इसके बारे में बताया तो ये है ड्राई स्किन के लिए स्पेशली अच्छा दिस इज फॉर दोस पीपल जिनकी बड़ी ड्राई स्किन है अब है अल्ट्रा परफेक्ट प्राइमर ठीक है अल्ट्रा परफेक्ट प्राइमर है जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है पैची स्किन होती है बहुत ड्राई होती है ये वो लगा के उसके पास चीज है डिलीट डार्क सर्कल और बिल्कुल लाइट वेट है ये भी अच्छा लाइट वेट है काशी बता रहे हैं और इसमें 1 से लेके 5 तक के नंबर्स हैं जैसे आप इस मॉडल का आप देख सकते हैं तो लुक जो कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो इस पे नंबर लगाया गया है 03 नंबर लगाया है और
इसके अंदर पहले हम लोग मतलब कि कोई ऐसी कोई और चीज मिक्स नहीं की, या कोई ऑरेंज कलर या कोई ग्रीन कलर या कोई कलर कैरेक्टर कोई मिक्स नहीं किया, डायरेक्ट इन्होंने 03 नंबर दिल्ली डार्क सर्कल का अप्लाई किया है और उसको अच्छे से टैप कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी स्किन थोड़ी सी सांवली टाइप है, जो एजिंग स्किन होती है, उनके लिए 05 भी बहुत अच्छा रहेगा और उनके लिए 01 फाउंडेशन इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन कलर कैरेक्टर, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन लाइटर है तो इसलिए आपको अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्शन बनाना, क्योंकि अक्सर लोग अगर बहुत फेयर होते हैं तो उनको शिकायत भी होती है कि बहुत ज़्यादा टैन हो गया कॉम्प्लेक्शन। और सेकंड शेड जो है वो सफायर 14 है और इसको आपने सेम मल्टीपल तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं इसको, इसको आप फाउंडेशन लगाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए कंसीलर यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी क्लाइंट हो कोई पार्टी मेकअप वगैरह इस टाइप का हो कि जिसको बहुत ज़्यादा हैवी बेस चाहिए, तो आप हल्का सा क्या आपको लगे कि कुछ स्पॉट्स पे डिसकलरेशन है, तो आप इसी को हल्का सा लगाकर उसको ओवरऑल पूरा ब्लेंड भी कर सकते हैं, इससे भी बिल्कुल शीयर लुक और बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन का लुक भी आ जाता है। बाकी आपने इसके ऊपर कॉम्पैक्ट अच्छे तरीके से लगाना है तो इसकी भी कवरेज बहुत अच्छी आ जाती है। ओके, आप लोग भी किसी पैलेट में या किसी प्लेट में या किसी भी इस चीज़ को मिक्स कर सकते हैं और देखें कितनी जबरदस्त फाउंडेशन। जो काशिप जो है ब्रश से यूज करें तो काशिप अगर इसके साथ हम वो जो जो स्पंज होता है या जो छोटे नहीं ब्रश से भी कोई मसला नहीं, और स्पंज से करने भी को मसला ब्यूटी ब्लेंडर यूज करो, ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें, बड़ा अच्छा इसका यार जबरदस्त काशिप इसका जो बन के आया, बड़ा अच्छा कलर आया है। वो लोग जिनको बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए तो उनके लिए भी है ना, इसको मजीद लाइट करना तो वो भी आप कर सकते हो। मजीद लाइट के लिए क्या यूज करेंगे? कलर करेक्टर आपने डालना है इसमें, अगर आपको लगता है कि कुछ क्लाइंट्स की काफी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो चाहते हैं कि स्किन जो है वो लाइटर पर ही रहे, तो आप लोगों को इस कलर करेक्टर का ये फायदा है कि आप अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्शन बना सकते हो। इनके फेयर होता है उनको कुछ लोग अच्छा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसी जो है कोई मुझे ऐसा लगता है ये बच्चा भी लगा सकता है। अच्छा, ये बेस लगाने के बाद जो खुद को सेटल होती है इसको जो है वो जो अभी सेकंड स्प्रे करेंगे तो ये सारी जो भी जो बेस आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नजर आ रही होती है उसको सेटल करने के लिए हमारे पास सेटिंग स्प्रे है, तो सेटिंग स्प्रे करेंगे साथ में इसको काफी कुछ देर के बाद स्किन जो है वो बेस जो है वो पीती भी है मतलब अब्सॉर्ब भी करती है, तो उसी हिसाब से इतनी ही क्वांटिटी में आपको बेस लगानी चाहिए। अच्छा, सेम टेक्निक के साथ का ये कंट्रोल करो, इसको करो। बहुत हैवी कंट्रोल नहीं करना आपने। अच्छा, अब जो है वो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, देखें, और कंट्रोलिंग का वही तरीका है कि चाहे आपका बड़े अच्छी जॉ लाइन है, बहुत अच्छी आप लोगों की जो है वो बोन स्ट्रक्चर हो, लेकिन जो है कंट्रोलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है कॉम्पैक्ट पाउडर 01, ये हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था, जो हमसे पूछ रहे थे कॉम्पैक्ट पाउडर 01 लगाया था। अच्छा, अब हम लगा रहे हैं कंट्रोलिंग किट, और ये कल तो हमने बहुत सारे शेड्स दिखाए थे कंट्रोलिंग में आपको, वो डिफरेंट कंट्रोलिंग किट थी और ये भी आप अलग से भी खरीद सकते हैं जिसके अंदर दो शेड्स मौजूद हैं, और ये ब्राउन है, लाइट ब्राउन सा कलर है, और कंट्रोलिंग आप करने का तरीका देखें, कंट्रोलिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी आना एक अच्छी कहना जरूरत है। अच्छा, काशिश कॉम्पैक्ट पाउडर 01 आप ये भी जो है इसके
अच्छा जो ये हाइलाइटर बड़ा खूबसूरत, इसके बारे में आप लोगों को बताना बड़ा जरूरी था कि ये हाइलाइटर आप लोग जरूर जरूर बाय करें। इसका जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज बड़ा प्यारा बेज गोल्डनिश कलर है, और ऐसा लग रहा है कि सुषमा काशिप के आपने जो ना वो फिलर्स लगा दिए इंजेक्शन लगा के, इतना अच्छा इसका इफेक्ट है, मतलब कि स्किन एकदम, हाँ स्किन टाइटनिंग लग रही है, स्किन बिल्कुल जो ना फिट चुकी है। तो दिस इज रियली, इसका नंबर बताना जो ये ग्लिटर लगाया था, अच्छा ये हाइलाइटर नंबर 5 है। ये जो काशिफ ने अभी हमारी जो मॉडल को जो मेकअप वो लगाया है, इसका है हाइलाइटर नंबर 5, और इसका भी बड़ा अच्छा लुक है, और बड़ी अच्छी स्किन टाइट लग रही है, फर्म लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने फिलर्स लगाए हैं, और साथ में हम फोटोग्राफी करके देंगे, पूरी एडिट करके देंगे फिल्म, और जो लोग नहीं बनवा सकते हैं अभी फॉरन, तो उसके पब्लिसिटी अपनी वो है, मार्केटिंग है, तो आप बेफिक्र हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई हैसल नहीं होगा। कोई भी ड्रेस, कोई भी ज्वेलरी आपको चाहिए, आपका क्या सवाल है जी, बोलिए। अच्छा एक मिनट, मैं किसे भेजती हूँ आपकी तरफ, उनकी बात प्लीज सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है। अच्छा जी, साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इनकी बॉर्डर लाइन पे अगेन व्हाइट जेल आयन लगा रहा हूँ, और आई गेस ये शायद अभी आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, ये आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हुआ है, रिजर्वेशन करवा दो अक्सर ये। So, लिपस्टिक का शेड आउटर लाइन के लिए मैं वाइब्रेशंस लगा रहा हूँ, प्लीज कर लीजिए। आउटर शेड का नाम है, आउटर शेड क्या लगा रहे हो? वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस, बड़ा खूबसूरत वाइब्रेशन शेड है ये, ब्राउन, यू कैन से जो एग्जैक्टली ब्राउन कलर होता है ना, ये वो है। अक्सर हम लोग ब्राउन कलर की लिप पेंसिल ढूंढ रहे होते हैं कि हमें अच्छी कोई ब्राउन लिप पेंसिल मिल जाए, तो ये लिपस्टिक में वो ब्राउन कलर है, आप इसे लिप लाइन बना के और इसको ओमरे स्टाइल में भी लिपस्टिक लगा सकते हैं, लाइटर अंदर कॉफी शुगर, शुगर मामा या आपके कौन सा एक है बड़ा प्यारा कलर, बड़ा लाइट सा, वो भी हम मिक्स कर सकते हैं, है ना, शुगर मामा। बहुत अच्छा।